Good morning, all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. First of all, open your science textbook. चलो बच्चों, जल्दी से आप अपनी textbook निकालो और उसमें unit number कौन सा है? 16. Garbage in and garbage out. पेज नंबर है 116. हमने एक छोटा सा पार्ट देखा था. किसका पार्ट? थिंक एंड थ्रू, है ना. हमने एक प्रयोग किया था कि हमारे घर में कितने लोग हैं, कितना कचरा होता है इकट्ठा एक लोग से लेके. इसी तरह हमारे सिटी से और टाउन के लोग घर के बारे में हम जानते हैं, तो हम पूरा कचरा कितना पूरा हमारा पूरा सिटी कितना कचरा इकट्ठा करता है एवरी डे में. तो हमने जाना था कि पहाड़ जितना. तो आज उसके बाद हमने एक नन्नू की स्टोरी सुनी थी कि नन्नू को एरोप्लेन्स बनाने बहुत अच्छे लगते थे. वो न्यू बुक में से पेज फाड़ के क्या बनाता था? एरोप्लेन्स बनाता था जो वेस्ट करता था. उसकी मम्मी बहुत उस पर गुस्सा करती थी, बट वो समझने के लिए रेडी ही नहीं था. उसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ अपनी मासी के घर जाता है और उसके कज़िन, उसका भाई है श्याम, कज़िन ब्रदर है, वो न्यू न्यू एक्टिविटी यानी बेस्ट में से बेस्ट न्यू न्यू कुछ बनाया था, वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स बनाई थी. और उसमें हमने देखा था कि ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, डेकोरेट विथ फ्लावर्स, मैट फ्रॉम पेंसिल सेविंग्स, मैट्स फॉर ओल्ड क्लॉथिस, बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स, वी आर सम आइटम्स नन्नू लाइक्ड. तो हमने यहाँ तक देखा था. अब हम देखते हैं, वन मॉर्निंग नन्नू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर. यहाँ पे ग्रैंड मदर यानी उसके नानी के घर, वो नानी को ढूंढता हुआ नानी के पास जाता है. ही से दैट शी वॉज अप्लाइंग अ टिक पास्ट ऑन द बास्केट. वो अपनी नानी से क्वेश्चन करता है कि आप बकेट पे क्या पेस्ट करते हो. नन्नू आस्क ननी, नानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस पेस्ट. नानी उसके पेस्ट करती थी बकेट पे. तो नन्नू आस्क करता है नानी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस पेस्ट. दिस इज अ पेपर मैच पास्ट मैट फॉर क्लीन एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्स सम रिस, हस रिप्लाइड नानी. नानी कह रही थी कि जो प्लास्टिक की कोई चीज़ पेपर होते हैं उसको हम पैर मैच से क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं. और उसको पूरे का पूरा पेपर और पैर मैच को मिक्स करके उस पर हम क्या करते हैं, समराइज होस्ट करते हैं ताकि वो पेस्ट बन जाए. बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आस्क नन्नू. नन्नू ये पूछ रहा है, पर ये आप क्यों कर रही हो इतनी मेहनत. टू मैक इट स्ट्रॉन्जर, सेड नानी एट, एंड वुड यू लाइक द लर्न दिस फ्रॉम मी. नानी ने कहा कि तुम क्या मुझसे ये सीखना चाहोगे. नन्नू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले. नन्नू को इसमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, वो बाहर जाके खेलने लगा. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टियरिंग अ पेपर्स टू मेक प्लान्स. उनको सिर्फ और सिर्फ पेपर के प्लान्स बनाने अच्छे लगते थे, इंटरेस्ट उसमें ही था. इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टेयरिंग अ पेपर्स फ्रॉम सैम फाइल्स. वो तो सैम के जो बनाए हुए न्यू जो थे ना वेराइटीज़, उसको भी वो तोड़ने की ट्राई कर रहा था. उसमें से भी वो क्या बनाना चाहता था, प्लेन बनाना चाहता था. श्याम कलेक्ट ऑल द पेसिस ऑफ पेपर नन्नू हैड यूज्ड, वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम. ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन. श्याम को पता चल गया कि वो पूरे के पूरे सब पेपर इकट्ठा करके क्या बना रहा है, कुछ ना कुछ प्लेन्स बना रहे हैं. तो एरोप्लेन्स बनाने के अब वो किसी की सुनता नहीं है. इट वॉज नन्नूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज. कुछ दिनों के बाद नन्नू का बर्थडे आया. श्याम प्लानेड टू इन्वाइट नन्नूज फ्रेंड. श्याम ने प्लान बनाया, नन्नू के फ्रेंड्स को इन्वाइट किया. नन्नू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मूड पुट एंड वेंट टू द मार्केट. नन्नू के पास क्या था, एक पॉट था. पॉट में से उन्हें मनी निकाली यानी उसको तोड़ के क्या किया, मार्केट गया. ही बाउट सम पेपर हेड्स फ्रॉम हिज
फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ खरीदना था। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फ्रॉम पॉलीथीन बैग टू कीप द हैस्ट, वो गिविंग हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। उसने जो चीज़ें ली थी वो चीज़ों में वो कहाँ में रखना चाहता था, पॉलीथीन बैग में रखना चाहता था, और शॉपकीपर से कहा कि मुझे पॉलीथीन बैग दो। नन्नू ऑल्सो अबाउट मैनी अदर्स आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड टॉफीज ही फाउंड इन डिफिकल्ट टू कैरी ऑफ ऑल दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन बैग। नन्नू के पास बहुत चीज़ें थी पर कोई भी शॉपकीपर उसे पॉलीथीन की बैग ले जाने के लिए नहीं देता है, वो देते ही नहीं है। शॉपकीपर होते हैं ना वो पॉलीथीन बैग, उस जब वो घर से निकल रहा था तो उसकी कज़िन ब्रदर श्याम ने कहा था कि तुम क्या लेके जाओ, यस एक क्लोथिस वाली थैली लेके जाओ ताकि उसमें तुम्हारी चीज़ें रख सकती, बट उसने श्याम की बात नहीं सुनी। अब वो दुकान कई दुकानों से कुछ सामान खरीदे थे, चॉकलेट बिस्किट, बट उसको कोई भी शॉपकीपर क्या नहीं दे रहा था, बैग नहीं दे रहा था। श्याम हैड टोल्ड हिम अ कैरी क्लॉथ बैग विथ द हिम एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम। श्रीमोहो इज मैनेज टू रीच होम विथ ऑल हिज पंचरीज, वो जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचा। घर पे अपने घर में कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेके आया और वो घर पे पहुंचा। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं पे बाजार में जा रहे हो तो आप क्या लेके जाओगे, यस क्लोथिस बैग लेके जाओगे। हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करने का है। ननूज फ्रेंड इन्जॉय द फेस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स, ननूज के फ्रेंड ने पार्टी इन्जॉय की, उसके साथ वो बहुत सारी गेम्स भी खेले। ऑल हिज फ्रेंड वॉर ऑल हिज फ्रेंड वॉर द शनिया पेपर्स हैड नाउ हैड बाउट। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैच मास्क फ्रॉम ननूज फ्रेंड, श्याम ने एक अच्छे से पेपर जो मैच होते हैं ना मास्क ऊपर पहने के, वो ननू ने बनाई थी। ही हैड स्पेशल गिफ्ट फॉर ननू एज वॉल, उसने भी ननू के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाया था। अ फोटो फ्रेम एंड ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ ऑल पीसेस ऑफ पेपर ननू हैड थ्रोन अवे, उसने एक फ़ोटो फ्रेम, उसके बाद क्या दिया था, एक डेकोरेट कार्ड दिया था। वो किससे बना हुआ था, सिर्फ और पीसेस ऑफ पेपर से बना हुआ था। इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस फॉर ननू, ननू के लिए ये सब न्यू एक्सपीरियंस था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क, ननू वॉज टू एक्साइट टू फिनिश हिज मेल एंड लुक एट हिज फिक गिफ्ट। तो वो अपने फ्रेंड्स थे वो ननू के, वो अपने घर चलेंगे क्या लेके, मास्क लेके, और ननू ये सब गिफ्ट देखने के लिए एक्साइटेड था। ननू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडे वेयर ओवर, हॉलीडे कंप्लीट हो गया, ननू अपने घर पे आया वापस। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज, टाउन से विलेज बहुत डिफरेंट था। देर वेर नो रेंज पिकर्स इन द विलेज एज नेट और क्लीन, ननू को ये पता चल गया कि गांव में यानी विलेज में कोई भी कचरा लेने वाला क्लीन करने वाला कि कोई नहीं होता है, फिर भी विलेज बहुत क्लीन होता है। जब टाउन में कचरा लेने वाले बहुत होते हैं, कचरा ढूंढने वाले भी बहुत होते हैं, फिर भी टाउन या सिटीज़ क्लीन नहीं होती हैं। बट नाउ ही स्टॉपेड मेकिंग फेस व्हेन ही सो द रेंज पिकिंग चिल्ड्रन नियर इज हाउस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं जो मेकिंग फेसिस व्हेन यू से द रेंज पिकिंग चिल्ड्रन नियर हाउस। हमारे घर के आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो गार्बेज लेने के लिए आते हैं, और उसको देख के हम क्या करते हैं,
यस, अपना मुंह और नाक बंद कर लेते हैं। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन स्टोरिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और अदर प्लेसेस। आपको पता है कि ऐसे छोटे छोटे चिल्ड्रन होते हैं, वो हमारे घर के आसपास या दूसरे प्लेस पे क्या करने चाहते हैं, गार्बेज लेने के लिए। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ द सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। आपने कभी सोचा है कि वो कौन से गार्बेज ढूंढते हैं? यस, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कौन से मटेरियल उसको यूज़ आते हैं, क्या यूज़ आते हैं? दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट डू यू डू विथ द रूबीज द कलेक्ट, वेयर डू यू द टेक इट। हमें जानना चाहिए कि वो उसमें से क्या ढूंढते हैं और क्या लेके जाते हैं। डज ही या सी गो टू स्कूल, क्या उसमें से लड़का या लड़की स्कूल जाते हैं। व्हाट अबाउट हिज हर फ्रेंड्स, क्या उसके फ्रेंड हैं। इफ़ यू डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीज़न, हमें वो स्कूल नहीं जाते होंगे जो कचरा ढूंढने के लिए आते हैं, वो स्कूल नहीं जाते होंगे तो हमें उसको बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप हमें बता सकते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। मोस्टली खाने के लिए कुछ नहीं होता है तब पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे लेके क्या करते हैं, पॉलीथीन ढूंढवाते हैं ताकि उसमें से उनको पैसा मिल सके और वो खा सके, इसलिए वो पढ़ नहीं सकते हैं। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप उसको हेल्प कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट्स, कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप उनको लिखने या पढ़ने में मदद कर सकते हो। हाउ यू एवरी हेल्प्ड एट होम टू सेल ऑल न्यूज़पेपर ग्लास एंड मेटल थिंग्स प्लास्टिक बैग्स एंड योर ऑल नोटबुक्स टू गार्बेज डिलीवर। आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों की, तो न्यू ओल्ड न्यूज़पेपर हो, ग्लास हो, मेटल थिंग्स हो, प्लास्टिक बैग्स हो, और ये हमारे ओल्ड नोटबुक्स हो ना, वो हम जो कचरा लेने आते हैं ना गार्बेज डिलीवर को हम दे सकते हैं, क्या हम देते हैं उनको। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट डू डज विथ ऑल द गार्बेज, हमें ये जांच करना चाहिए, फाउंड आउट करना चाहिए कि हम किस तरह गार्बेज का यूजफुल और नॉन यूजफुल कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्क्रेड पेपर लाइक श्याम, लेट अस लर्न टू दिस, क्या आपने श्याम ने बनाई हुई चीज़ों से आपने लाइक किया है तो आप ऐसी चीज़ बना भी सकते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो हमारे घर में भी जो हम गार्बेज करते हैं वो गार्बेज में से वेस्ट में से बेस्ट बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सी यूज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। हो सके इतना हमें गार्बेज कम क्या करने का है, यस कम करने का है, कम इकट्ठा करने का है, उसका स्तर घटाना है, बढ़ाना नहीं है, ताकि हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही रहेगा। हम जैसे सोचते हैं ऐसे हमारे फैमिली सोचे, ऐसा हमारी हमारे जो शहरी में लोग हैं वो सोचे, उसके बाद हमारे सिटी के लोग सोचेंगे, टाउन के लोग सोचेंगे, तो उसकी वजह से हम अपने देश को क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, अब हम देखेंगे रिसाइकल ऑफ पेपर, तो पेपर का रिसाइकल कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टुडे इज़ योर होमवर्क वन पेज नंबर 160 and 161 with 162, आपको रीड करने का है। आपकी वर्कबुक अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आपकी वर्कबुक कंप्लीट करके मुझे पर्सनल में आपको पिक्चर भेजना है 10 फरवरी तक। अंडरस्टैंड, ओके, बाय एंड टेक केयर।